students, welcome to the next lecture of light reflection and refraction. And here we are going to discuss about the image formation by concave lens. In our previous lecture we had discussed about the image formation by convex lens, and here is the image formation by concave lens. From concave lens, only two cases are there for image formation. First, when the object is at infinity. So the first case is when the object is at infinity. This is the lens, concave lens, and this is the principal axis. Here is F1, 2F1. Here is F2 and this is 2F2. Clear? Object रखना है हमें infinity और infinity पे रखना है. See? So this is the partition line. Here the object is at infinity. है ना, 2F1 से दूर कहीं infinity पे object है. First light ray parallel to the principal axis. लाइट रे आपको इस पार्टीशन लाइन तक लेकर आना है, यहां तक नहीं लेकर आना है. यहां से लाकर आप लाइट रे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, यहां तक आप लाइट रे लेकर आएंगे. आफ्टर रिफ्रेक्शन फ्रॉम द लेंस इट गोज इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इट इज द डाइवर्जिंग लेंस. हियर इज द सेकेंड लाइट रे अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रेक्शन गोज इन दिस डायरेक्शन. हियर अगेन parallel light ray after refraction in this direction. One more light ray is incidented, that is after refraction in this way. यहां पर आप देख रहे हैं दोनों ही refracted rays जो है, इन refracted rays को यदि हम आगे कहीं extend करेंगे तो ये क्या कहीं मिलते हुए दिखेंगी? नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर हो रही है. एक दूसरे से दूर हो रही है तो कहीं भी ये आपस में meet नहीं करेंगी. But यदि हम लेंस के पीछे की साइड इन्हें कहीं एक्सटेंड करें तो हमें ये एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखेंगी, एंड दैट पॉइंट इज द फोकस. सो हियर द लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर अपीयर्स टू बी मीटिंग. ठीक है, तो ये लाइट रेज हमें मीट करते हुए अपीयर हो रही है. दीज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग हियर. सो द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म एट F1. ठीक है, F1 पर सेम साइड ऑफ द लेंस पे हमें इमेज देखने को मिलेगी. सो द फर्स्ट पॉइंट एट F1 वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एट F1 सेम साइड ऑफ द लेंस. सो हियर इज सेम साइड ऑफ लेंस. विच टाइप ऑफ इमेज इज दिस? पॉइंट साइज्ड. सो द साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट साइज्ड. The light rays are not actually meeting, they are appears to meet, that's why the image is virtual, and we know that the virtual images are always erect, so it is erect image. This is the case when object is at infinity. In second case we put the object in between pole, in between optical center and infinity. It means in front of the lens. So we have to put the object in between infinity and optical center. So here object in between infinity and optical center. Now which type of image is formed? Again the lens is there. So this is the concave lens. Here is the principal axis. This is F1, 2F1, F2 and 2F2, and this is the line of separation. Clear? Now the object is put
इन बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में हमने यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट को रख दिया. कहीं भी रख सकते हैं आप, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, एफ पे रखिए, टू एफ पे रखिए, कहीं भी रखिए. ठीक है, तो हम यहां पर कहीं भी इस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं. फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज इन दिस डायरेक्शन. सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. ये ऑप्टिकल सेंटर से इस पे इंसिडेंट होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, जिस पाथ पे है उसी पाथ पे स्ट्रेट निकल जाएंगी. ठीक है, ये जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे आगे जाके तो कहीं एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पे भी हमें मीट होती नहीं दिख रही है, लेकिन इस लाइट रे को यदि हम पीछे कहीं एक्सटेंड करें तो पीछे इसको एक्सटेंड करने पर ये हमें एक पॉइंट पे मिलती हुई दिख रही है. एंड एट दिस पॉइंट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. ठीक है, ये कहां पर हमारे पास इमेज बन रही है, इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ वन. सो द इमेज इन बिटवीन ओ एंड एफ वन, विच टाइप ऑफ इमेज इज दिस, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की है. अगेन इट इज वर्चुअल बिकॉज द लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर अपियर्स टू मीट, एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट. ठीक, सो दीज आर द टू केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस. नाउ द यूज ऑफ कॉनकेव लेंस, द कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया. मायोपिया के लिए जो स्पेक्स हम यूज करते हैं उस स्पेक्स में कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है. मायोपिया इज एन आई डिफेक्ट इन विच द नियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन. क्लियर, तो यहां पर पास की चीजें तो क्लियर दिखेंगी लेकिन दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती, उस टाइप के डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया. एंड दिस लेंस इज यूज इन द करेक्शन ऑफ मायोपिया. सो इन करेक्शन ऑफ मायोपिया कॉनकेव लेंस इज यूज. सेकेंड वन इट इज ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप में भी क्या यूज करेंगे, हम ये वाला लेंस यूज करेंगे. क्लियर, सो दिस इज द यूज ऑफ कॉनकेव लेंस. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट साइन कन्वेंशन. क्लियर, साइन कन्वेंशन के बारे में हमने मिरर में डिस्कस किया था, तो यहां पर भी साइन कन्वेंशन मिरर के जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा इमेज में चेंज होता है क्योंकि इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहां पर. तो यहां पे हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं. सो हियर इज द साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जिसको हमने नाम दिया था. सो साइन कन्वेंशन आर देयर. ठीक है, साइन कन्वेंशन में फर्स्ट तो हमें पता है यू डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस दैट इज यू, और यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव. मिरर के केस में भी आपने देखा था यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, निगेटिव. नाउ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पॉजिटिव इन केस ऑफ एफ इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड इट इज निगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इमेज और द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस. इफ द इमेज इज रियल देन इट इज पॉजिटिव. सो वी डिस्टेंस ऑफ इमेज मीन्स वी, वी इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेजेस एंड वी इज निगेटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस. मिरर के केस में ये उल्टा था. मिरर केस में वर्चुअल के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं और रियल के लिए हम निगेटिव लेते हैं, लेकिन लेंस केस में ये पॉजिटिव है रियल के लिए और निगेटिव है वर्चुअल के लिए. ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंस है. बाकी और सारे साइन कन्वेंशन क्या है, सेम है.
Magnification, magnification is m is equal to h dash upon h, and this is v upon u. So here is magnification. मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन एम म्यू इज एच डैश अपॉन एच. क्लियर? एच डैश मीन्स वी एंड एच मीन्स यू. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द लेंस फॉर्मूला. एच डैश कैसी होगी हमारे पास? निगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज, निगेटिव फॉर रियल इमेजेस एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस. किसकी वैल्यू होगी? एच डैश की. तो एच डैश हमारे पास निगेटिव है और पॉजिटिव भी होगा. निगेटिव होगा रियल इमेजेस के लिए और वर्चुअल होगा वर्चुअल इमेजेस के लिए होगा पॉजिटिव. नेक्स्ट वन इज लेंस फॉर्मूला. सो हियर इज लेंस फॉर्मूला. जैसे मिरर फॉर्मूला था हमारे पास, वैसे ही लेंस फॉर्मूला भी है. लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू. दिस इज द लेंस फॉर्मूला. वन अपॉन एफ मीन्स फोकल लेंथ. सो हियर एफ इज फोकल लेंथ, वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज. क्लियर? सो दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो दिस इज द लेंस फॉर्मूला. ना लेंस फॉर्मूला पे भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं. वहां पर मिरर फॉर्मूला में प्लस का साइन था, यहां पर दोनों के बीच में क्या है? माइनस का साइन है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस. सो द नेक्स्ट टर्म विच इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस क्या है? द पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज. What is power of lens? It is the degree of convergence in case of convex mirror and divergence in case of concave mirror. So it is a degree of convergence and divergence of light rays incident on it. Divergence of light rays incident on it. Now lens पे जब light rays incident होती है तो वो उसकी convergence और divergence की क्या degree है ना, क्या power है? That is called as पावर ऑफ लेंस. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. वन मोर डेफिनेशन इज देयर, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इट इज रिटन एज पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ and its unit is meter inverse or d for diopter. ठीक है, हमें पता है focal length measure करने की जो unit है that is meter, और यहां पर ये upon में है, that's why it is meter inverse or diopter. So diopter is the power of lens. Clear? Lens की power पॉजिटिव होगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. सो इट इज पी इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको ध्यान रखना है. एंड पी इज निगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस.
ठीक है, यदि हमें दो लेंस की पावर को ऐड करना है, ठीक है, मींस दो डिफरेंट लेंस है हमारे पास, उन दोनों लेंस को हमने आपस में चिपका दिया और उनकी पावर हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम ऐड करेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिन लेंसेज, दो या उससे ज्यादा थिन लेंसेज को यदि हम कंबाइन कर देते हैं तो उसकी पावर को हम ऐड कर देते हैं, दैट इज P is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on. और P क्या है हमारे पास, 1 upon F. So here 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3 and so on. Clear? So this is about the power of lens. पावर ऑफ लेंस पे भी एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, हमें फोकल लेंथ देते हैं और पावर ऑफ लेंस निकालना होती है। ठीक है, तो यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिरर लेंस फॉर्मूला से भी आते हैं और पावर ऑफ लेंस से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट बुक में काफी सारे दिए हुए हैं, चैप्टर के लास्ट में हम सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।